अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसमें से कई एक पूरक प्रश्न उठते हैं। एक तो पहला मुद्दा है भूमि विवाद का, दूसरा है लोगों के मारे जाने का। मंत्री महोदय ने ये नहीं बतलाया है कि पहली घटना कितने बजे हुई जब मुसब्बर मियां को मारा गया, और जो दूसरी घटना थी जिसमें आदिवासी लोग मारे गए वो कितने बजे की घटना है, और वहां से थाने की दूरी कितनी है, और वहां पुलिस प्रशासन बल कितने बजे पहुंची। चूंकि सर मुझको जानकारी है कि 20 किलोमीटर 8 बजे दिन में घटना घटी है, जो 8 बजे दिन की घटना है जिसमें जो भूमिपति थे या मुसव्वर मियां उनकी हत्या हुई, और उसके बाद उनके ड्राइवर की मुसव्वर उनके ड्राइवर की हत्या हुई। ऑर्डर प्लीज। ठीक है, इसमें उन्होंने ड्राइवर का नहीं कहा, इनमें कहा है कि उक्त भूमि पर मुसब्बर मियां, वो उक्त भूमि एक मुसब्बर मियां की थी जिसे कुछ आदिवासियों द्वारा काश्तकारी के आधार पर जोता जा रहा था, और 1:30 बजे उन्होंने घोषणा की थी और न्यायालय के पक्ष में उन्होंने किया था बजाय तृतीय बात। ठीक है, तो जो लोग मारे गए पहली घटना घटी है हमारी जानकारी के मुताबिक 11 बजे दिन में, और दूसरी घटना घटी है 11 बजे या उसके बाद में, वही तो हमने कहा 8 बजे, वही मैं कह रहा हूं ना, 8 बजे दिन में पहली घटना घटी है, दूसरी घटना घटी है 11 बजे दिन में, और वहां से जो लोग हल्ला जब हुआ है 20-20 किलोमीटर के लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन थाने की दूरी वहां से केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थी, और वहां थाने से या पुलिस प्रशासन के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कितने बजे पहुंचे। सर मेरी जानकारी के मुताबिक यदि टाइमली वहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गए रहते इस घटना को रोका जा सकता था। सभापति जी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ये पूर्णिया जिला आज से नहीं, भूमि विवाद को लेकर के या बिहार में दुर्भाग्य से या और सारे राज्यों में जो भूमि सुधार कानून है वो भूमि सुधार कानून जो है लागू नहीं हो पाया है, और लागू नहीं हो पाने के कारण अकेले इस जिला में आज से नहीं 1962-63 में हम लोग जब पढ़ते थे चंद बार उपसपुर की घटना वहां घटी थी जहां 60-62-70 में जहां 60-62 लोग मारे गए थे, फिर उसके बाद अध्यक्ष जी घटना हमारे पास में जो विवरण है 84 में भी घटना घटी, वहां 86 में भी घटना घटी, 93-91 में घटना घटी कांग्रेस के लोग मारे गए, 94-92 में घटना घटी जिसमें 2 CPM के लोग मारे गए, अभी इस घटना के पहले भी कुछ दिन पहले घटना घटी थी, और इस तरह घटना का वहां और उसी जगह पर 91 और 92 की घटना गृह मंत्री जी उसी जगह पर घटना घटी, लेकिन आज तक गरीब को कोई जमीन नहीं मिल पाया, और जमीन जो आपका कानून का एक्ट है पता नहीं आपके अंदर में है, आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझको कभी कभी लगता है कि ये जो भूमि सुधार कानून है, ये जो सीलिंग एक्ट है और उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में तो कितने गरीब को आज तक जमीन मिला है ये मुझको नहीं मालूम है। हाँ, जितना गरीब को जमीन मिला है उससे ज्यादा गरीब लोग मारे गए हैं, ये हमको यह कहते हैं कि जानकारी इतनी है। हम लोग कितनी बार जमीन के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने भी आंदोलन किया 1974 में 71 में, 9-9 महीना हम लोग जेल में रहे, लेकिन एक गरीब को कभी 1 इंच जो है जमीन नहीं मिल पाया, चूंकि जो जमीन का कानून है जो प्रोसीजर है वो इतना टेढ़ा है कि कितना कितना भी कुछ करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही वही करें तो जितना, और एक एक्ट नहीं है जिसको आप 9 शेड्यूल में डाल सकते हैं, बहुत सारे उसमें एक्ट हैं, और हर को 9 शेड्यूल में डालना संभव है कि नहीं, लेकिन मुझको इतनी मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो जमीन का मामला है उस जमीन के मामले को एक तरफ गरीब के मन में आशा जगती है कि चूंकि हम इस जमीन के हमको पर्चा मिल गया है हम इस जमीन के मालिक हो गए, और दूसरी तरफ में जो कोर्ट का और जो प्रशासन का जो न्यायालय में जो का नियम है और जो प्रशासन का मुद्दा है उसके कारण जो है काफी उसमें बाधाएं होती है और कभी उसको जमीन मिल नहीं पाता है, तो इस परिस्थिति का ये जो लैंड रिफॉर्म्स का जो मामला है उस संबंध में सरकार, राज्य सरकार, मुझको नहीं मालूम है कब कितने जमीन बचे हैं कि नहीं, चूंकि ये मामला
एक आधी शताब्दी बीत गई और आधी शताब्दी के बाद कितना जमीन लोगों के पास में बचा होगा। जिस समय में हम लोग शुरू में ही थे तो कोई जानवर के नाम से, कोई बिल्ली के नाम से, कोई कुत्ता के नाम से अपना जमीन उसी समय में सब लोगों ने कर रखा था। आज के डेट में कितना जमीन है कि नहीं है हमको नहीं मालूम है, लेकिन उस जमीन पर गरीब को अधिकार मिले, उस अधिकार को आज भी गरीब इस भूख में है कि हमको कुछ न कुछ जमीन मिल जाएगा, लेकिन जमीन उसको मिल नहीं रहा है और उल्टे उनकी हत्या हो रही है। तो एक तो मैं आपको इस मामले में जमीन के मामले में मैं कहना चाहूंगा। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख चाहे दलित वर्ग के लोग हों चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, उनके प्रति उनका रुख जो है बिल्कुल ही जैसे निर्दयी होता है, निर्दयी के समान है। मैं इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं घुसाना चाहता हूं। हमारे यहां सर अभी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में गरीब लोग जा रहे थे मांगने के लिए रिलीफ, और उस रिलीफ में जाकर के 6 लोगों की हत्या हुई, और उस 6 लोगों की हत्या में 2 मुसलमान थे, माइनॉरिटी के लोग थे, और जिनको जिंदा जलाने का काम किया मुनीफ मियां को और अयूब खां को एडमिनिस्ट्रेशन ने जिंदा जला दिया, सबके सामने में जला दिया। ये भी नहीं हुई कि माइनॉरिटी का को जो एक नियम होता है उसके नियम के मुताबिक उसको दफनाया जाए। अभी मुसहर परिवार का, जहानाबाद जिले में मुसहर परिवार का जो सबसे शेड्यूल कास्ट में गरीब होता है, उसके यहाँ पुलिस चली गई, एक बच्चा मुसहर का था, मर गया था, उनकी पत्नी को जाकर के पुलिस घसीटने की कोशिश किया। 4 साल का उसका बच्चा जहानाबाद में, वो अपने माँ से चिपक गया, और माँ से ये 10वां महीना अक्टूबर के महीने की बात है, पूरे अभी क्वेश्चन है मुलायम सिंह जी बिहार का, पूर्णिया का है, अब कीजिए ना, तो आपको कर दे, अब कीजिए ना, तो इसलिए आपको गुस्सा क्यों लगता है, गुस्सा क्यों लगता है आपको? उत्तर बिहार उठाया जा चुका है और बार बार अगर यही बात है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में चर्चा कर लीजिए, गहन चीजें में मांग करता हूँ, कर लीजिए चर्चा। आदिवासी अत्याचार, हत्याएं, विद्यार्थियों को मुलायम सिंह हमारे जिले में मुलायम सिंह नहीं और एक भी कार्रवाई मुलायम सिंह बिहारी दिखाई दे रहा है। मिस्टर मुलायम जो मिस्टर का जब ये हो चुका सवाल, आज नियम के विरुद्ध नहीं सदन चल सकता है, कोई बड़ा हो चाहे शेर हो चाहे ये हो, नियम के अनुसार सदन चलता है। इस संबंध में बिहार के संबंध में सीतामढ़ी के संबंध में उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडे मारे जा रहे हैं, जो माफिया गुंडे इनके इस पर चर्चा कराएं और सूची पेश करें कि उत्तर प्रदेश में लोग मारे गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव, नोटिस दें, सूची पेश करें कि उत्तर प्रदेश में कैसे लोग मारे गए हैं। सारे माफिया गुंडे मारे जा रहे हैं। सीनियर मेंबर या नहीं मैम रामविलास जी, जस्ट कन्फाइड सर। सर मुलायम सिंह यादव जी यहाँ नहीं थे 3-4 दिन से, ये 0 आवर नहीं है मुलायम सिंह जी, कॉलिंग अटेंशन है और कॉलिंग अटेंशन। आप हमको नियम मत बताइए, हमारा नाम लेकर करेंगे तो मुझे मौका दीजिए और मैं बीच में बोलूंगा। ऐसा मत करिए, हमको नियम मत पढ़ाइए, नियम हम आपसे कम नहीं पढ़े। सवाल ये है कि जौनसर में 4 मुसलमान मार दिए, क्या हुआ? अभी दो अनुसूचित जाति के जौनसर मार दिए, क्या हुआ? आप बोलिए,
तो अध्यक्ष जी मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई मैं मिस्टर पासवान यू हैव टू कन्फाइन टू योर सब्जेक्ट ऑल दिस ट्रबल अरोज ऑन ओनली ऑन अकाउंट ऑफ दैट बट व्हाट यू आर टेलिंग हर योर सब्जेक्ट मैटर इज सर यू हैव बीन आवर फ्रेंड सिंस 1977 एंड योर नेम एंड माई नेम हैज अपियर कॉलिंग अटेंशन नॉट इन वन टाइम बट 100 times एंड वंस यू नो दैट देयर इफ देयर इज एट्रोसिटीज शेड्यूल ट्राइब्स मैटर कंसर्न टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज नॉट ए स्टेट मैटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स मैटर कंसर्न टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर यू टॉकिंग पासवान मिस्टर पासवान व्हाट आई सेड आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड इफ यू डोंट वांट आई विल नॉट आस्क एनी सप्लीमेंट्री व्हाट आई विल नॉट आस्क एनी सप्लीमेंट्री व्हाट होम मिनिस्टर हैज सेड दैट इज सफिशियंट आई विल ड्रॉ माय क्वेश्चन प्लीज प्रोसीड ऑन अदर आइटम This is not only tribes. Muslim has also been burnt. That's why I am raising this issue. And this arises from the Home Minister's statement. Home Minister statement that not only tribal has been burnt, केवल ट्राइबल ही नहीं जलाए गए हैं मुस्लिम भी जलाए गए हैं वहाँ इसलिए मैं इसको कॉमनल कर मैं ये कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान का इशू बनाना चाहते हैं सर आप यू गो थ्रू द स्टेटमेंट मिनिस्टर से होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट है पूर्णिया भी संबंध इसलिए सर मैं सीधी सी बात मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में मैंने ये भी नहीं कहा बिहार सरकार के संबंध में या किसी मैं कह रहा हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सिर्फ ट्राइबल का ही मामला नहीं है बल्कि ट्राइबल के पहले मैंने कहा कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं पहले भी जो मारे गए थे वो मुस्लिम मारे गए थे अभी भी मारे गए हैं मुस्लिम मारे गए हैं सिर्फ ट्राइब्स के लोग मारे गए हैं मैं इतना ही आपसे के माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर बिहार सरकार या बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया कितने मेरा मैं कहना चाहता हूं ये कि यदि सही समय पर पुलिस पहुंच गई रहती यदि सही समय पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच गया रहता तो इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था और आज जिस तरीके से जाकर के पुलिस फोर्स चाहे ट्राइबल का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो जिस तरीके से उसको जाकर के बेइज्जत किया जा रहा है उसको रोका जा सकता था इसलिए मैं एक मेरा पहला सवाल है जो मैंने पहले ही पूछा कि कितने बजे की घटना हुई कितने बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा और जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैं उस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ये सवाल मैंने संक्षेप रूप में मैंने पूछने का जानने का प्रयास किया था और मैं ये फिर से यह कहना चाहूंगा कि कोई सरकार इस बात को एश्योरेंस दे कि ये जो भूमि विवाद कानून है इसको किसी भी रूप में कोई कॉमनल कलर नहीं दिया जाए जिससे कि वहां जो हिंदू मुसलमान का दंगा का जो एक मामला क्या कहते हैं चूंकि हर पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कुछ क्लेरिफिकेशन था जिसको मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि जिससे कि गरीब गुरुवा माइनॉरिटी अकलियत सभी वर्ग के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके।